हेलो करण चो, मैं मोहन सर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ। और आज बच्चों हम लोग हमारी एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, ठीक है, उसको हमें ख़त्म करना है और इस चैप्टर को पूरा क्या करना है, पैक करना है। ओके, तो इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं और फिर लगातार इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक, थोड़ा कंसेप्ट क्या है पहली बात तो ये देखो, जरा एक्सरसाइज 1.4 है बच्चों, साफ से रुकी लगता है इनकी बच्चों 1.4 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों वहां पर, अब एक चीज देखो बच्चों यहाँ पर कि जो रियल नंबर है बच्चों, ठीक है, उसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया बच्चों। एक कैटेगरी थी बच्चों हमारी रेशनल नंबर की और दूसरी कैटेगरी थी बच्चों हमारी इररेशनल नंबर की, ठीक है। रेशनल नंबर के अंदर सारे नंबर आते थे, ये क्या कंटेन करता है, ऑल नंबर्स, ठीक है। जैसे कि हमारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आते हैं बच्चों, जो कि चालू होते हैं कहाँ से, 1 से 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर हमारे होल नंबर भी बच्चों रियल नंबर के अंदर आते हैं, हमारे इंटीजर्स भी बच्चों इस रियल नंबर के अंदर आते हैं, और जितने भी फ्रैक्शन नंबर है बच्चों, +-1, +-2, 1/2, 1/3, ये सारे नंबर किसके अंदर आते हैं बच्चों, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। जबकि इररेशनल नंबर के अंदर बच्चों हमारे कौन से नंबर आते हैं, जितने भी रूट वाले होते हैं, √2, √3, √5, √7, ये सारे बच्चों, इवन पाई भी, ये सारी कैटेगरी किसकी है बच्चों, इररेशनल नंबर की है, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि सबसे बड़ा सेट होता है हमारा रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर दो कैटेगरी हम लोगों ने डिवाइड करी, एक रेशनल नंबर की, एक इररेशनल नंबर की। और रेशनल नंबर के अंदर सारे नंबर कंटेन करता है, जिसमें हमारे पर्टिकुलर और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ये सब काउंट होते हैं। जबकि इररेशनल नंबर के अंदर हमारे रूट वाले नंबर क्या होते हैं, काउंट होते हैं, √2, √3, √5, जिनको पर्टिकुलर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इवन पाई भी एक हमारा क्या है, इररेशनल नंबर है, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इन पर्टिकुलर नंबरों को, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर को, हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के साथ कैसे जोड़ते हैं, कैसे इनका लिंकअप करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन साथ, वो वाला कंसेप्ट देखना है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब दूसरी कंडीशन हम लोगों ने यहां पढ़ी बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों दो कैटेगरी होती है हमारी, एक कैटेगरी होती है बच्चों टर्मिनेटिंग वाली, जो नंबर क्या हो जाते हैं, पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं, और एक कैटेगरी होती है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग वाली, ठीक। अब टर्मिनेटिंग कैटेगरी के अंदर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बच्चों 12 को डिवाइड करूं 5 से, तो 12 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से, तो सिंपल सा है 5 × 2 = 10, रिमाइंडर बच्चे 2, अब 2 तो डिवाइड होता नहीं है तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो एक 0 आ जाएगा, एंड 5 × 4 = 20, ये पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चों, डिवाइड हो गया, ये आ गया बच्चों 2.4। तो यहाँ पे आप देखो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया और वो रुक गया बच्चों, 4 के आगे नहीं गया, ठीक है। तो ये तो पूरा पूरा खत्म हो गया। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर बच्चों देखते हैं हम लोग, तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जैसे मान लीजिए बच्चों ने एग्जाम्पल लिखा 16/3, इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों 5.3333 एंड सो ऑन, ठीक। ऐसे बच्चों ने दूसरा एग्जाम्पल लिया √5, रूट फाइव की वैल्यू होती है बच्चों 2.2306607 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद लगातार 3-8 जो नंबर है वो लगातार क्या कर रहा है बच्चों, रिपीट कर रहा है। तो ये किस कैटेगरी का नंबर हो गया बच्चों, ये रिपीटिंग हो गया, ठीक है। और यहाँ देखा मैंने कि यहाँ ना तो एक टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग कैटेगरी का नंबर हो गया। और दोनों ही नंबर हमारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी के अंदर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर एक कैटेगरी थी रिपीटिंग वाली, एक थी नॉन रिपीटिंग वाली, और हम लोग क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं कि कभी भी कोई नंबर लगातार रिपीट करता है बच्चों, तो वो किस कैटेगरी का नंबर होता है बच्चों, वो रेशनल नंबर की कैटेगरी का नंबर होता है बच्चों। ये होता है वो किस कैटेगरी का होता है बच्चों, नंबर दैट इज रेशनल नंबर की कैटेगरी। और ये जो है हमारा, ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये किस कैटेगरी का नंबर है बच्चों, ये इररेशनल नंबर की कैटेगरी का नंबर है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आप एक चीज देखो जरा बच्चों, ये 12/5 भी बच्चों हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है,
तो ये रेशन नंबर बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है पूरा का पूरा। और यहाँ देखा आपने कि ये भी हमारा किस कैटेगरी का है, रेशन नंबर है, बट ये लगातार क्या कर रहा है बच्चों, रिपीट कर रहा है, ये यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा, हम लोगों ने ये देखा बच्चों कि रेशन नंबर हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, एक कैटेगरी थी बच्चों उसकी टर्मिनेटिंग वाली और एक कैटेगरी उसकी थी बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग वाली, जहां पे एक डेसिमल के बाद वाली वैल्यू लगातार क्या करती है बच्चों, रिपीट करती है। तो यहां से हम लोगों ने एक रिजल्ट फाइंड किया कि रेशनल नंबर की भी दो कैटेगरी हम लोगों ने डिवाइड करी डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे, एक वो नंबर थे जो पूरे पूरे खत्म हो जाते थे जिसमें डेसिमल रुक जाता था, और एक वो नंबर थे जिसमें वो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू पर्टिकुलर क्या करती है, रिपीट करती है। और आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है जो वैल्यू रिपीट करती है उसको क्या लगा देते बच्चों, हम लोग बार लगा देते हैं। तो हमने ये देखा कि रेशनल नंबर थे वो टर्मिनेट कैटेगरी में भी आ गया और नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी भी आ गई। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग कैसे पता लगा पाएंगे कि ये नंबर पूरा का पूरा रेशन नंबर हमारा पर्टिकुलर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा कि नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग जो हम लोग डालेंगे, हाउ टू चेक वेदर वेदर रेशन नंबर इज टर्मिनेटिंग, whether a rational number is terminating or non-terminating, कि rational number हमारा किस category का है बच्चों, कि या तो वो terminate हो रहा है कि non-terminating हो रहा है। तो आप लोग एक चीज जानते हो बच्चों, आप जा ध्यान से सुनना है मेरी बात को, मैंने बोला कि rational number को हम लोग हमेशा p upon q की form में लिखते हैं, यानी कि एक होता है बच्चों numerator और एक होता है बच्चों हमारा डिनोमिनेटर, ऐसे होता है। रेशन नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। अब यहां पर पता करना है आपको कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन कि ये पूरा का पूरा टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे ये रेशन नंबर टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो डिपेंड करता है फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर पर बच्चों। किस पर डिपेंड करता है बच्चों, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। अगर हमारे बच्चों डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 and 5, डिनोमिनेटर के मान लो फैक्टर मैंने किए, उसमें अगर वो फैक्टर सबके सब 2 की फॉर्म में है या 5 की फॉर्म में है, 2 या हो या 5 हो, तो वो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, किस कैटेगरी के अंदर जाएगा वो बच्चों, वो कैटेगरी के अंदर जाएगा टर्मिनेटिंग। 2 हो 5 हो या दोनों हो, अकेला 2 भी होगा तो भी टर्मिनेटिंग कैटेगरी के अंदर जाएगा, बट कॉज किसका, जिसमें डिनोमिनेटर फैक्टर कर रहे हो और 2 की फॉर्म में ब्रेक हो रहा हो, जैसे मान लो 8 है, 17/8 है बच्चों, तो यहाँ पे जो 8 है बच्चों वो 2 × 2 × करके लिखते हो, 2 × 2 × 2, यानी कि 17/2 का क्यूब हो गया, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर में क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये किस कैटेगरी का नंबर है बच्चों, ये टर्मिनेटिंग कैटेगरी का नंबर है। तो जिसके डिनोमिनेटर में फैक्टर में 2 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, ये दोनों आ रहे हो, वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी का होगा। और इसके अलावा 2 के अलावा या 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए बच्चों, वो किस कैटेगरी का हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी का हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि आपको पढ़कर कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी का है। तो आप बोलोगे सर रेशनल नंबर को आप हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा जाता है, और जहां डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पे उसमें फैक्टर्स में 2 आ रहा हो प्राइम नंबर में या 5 आ रहा हो, ठीक है, या दोनों आ रहे हो, तो वो किस कैटेगरी का होगा, वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी का हो। इसके अलावा अगर कोई नंबर दूसरा आ जाता है 3, 7, 17 ऐसे कोई नंबर आ जाते हैं, तो वो किस कैटेगरी का होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी का होगा रेशन नंबर। गॉट इट। अब इसी कंसेप्ट पे बच्चों हमारी पूरी पूरी एक्सरसाइज है, इसमें हमारे 1-1 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम पे, तो वो सब क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फटाफट एनसीईआरटी के, और मैं आपको बताते भी चलता हूँ कि कैसे कैसे आप लोग बिना एक्चुअल डिविजन परफॉर्म किए हुए कैसे आप पर्टिकुलर उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। कई बार पेपर में पूछा जाता है आफ्टर हाउ मैनी डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा बच्चों, ये पूछा जाता है, तो वो सब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट किस तरीके से निकाला जाता है। आपके एग्जाम की शुरुआत करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 है बच्चों हमारी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं आपको बताते चलता हूँ कि कैसे हम लोग विदाउट एक्चुअल डिविजन परफॉर्म करेंगे। तो पहले तो ये देखना बच्चों यहाँ पर, मैंने यहाँ लिखा बच्चों 13/3125, ठीक है, पहले तो ये कोशिश क्या करूँगी सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है,
तो यहाँ देखा इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यहाँ बच्चों डिनोमिनेटर से मतलब है मुझे, तो मैंने यहाँ देखा बच्चों 3125 के मैंने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, तो आपको पता लास्ट में 5 लगा है तो 5 से डिवाइड होगा बच्चों ये, तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 से करोगे बच्चों 12 5 जा 60 और ये 25, 5 से करोगे बच्चों 25 से जाएगा एंड 5 5 जा बच्चों 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि 3125 के कितने फैक्टर्स आए बच्चों, 5 के कितने मल्टीपल्स आए, 5। तो मैंने यहाँ पे देखा कि डिनोमिनेटर के अंदर से प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है, 5। तो जिनके डिनोमिनेटर में फैक्टर में 5 हो या 2 हो या दोनों हो, वो किस कैटेगरी के नंबर होते हैं बच्चों, वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी का नंबर होता है। ये किस कैटेगरी का नंबर होगा बच्चों, ये टर्मिनेटिंग कैटेगरी का नंबर होगा। गॉट इट? इसमें किसी को बच्चों कोई डाउट बता दो। चलिए आसान आसान क्वेश्चन बच्चों, टेंशन मत लो, फटाफट होती है अभी एक्साइट देखो आप। सेकेंड वाला बच्चों 17/8, तो आप तो जानते हो यहाँ पे 8 के फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों, 2 × 2 × 2, यानी कि 8 बराबर क्या हो गया, 2 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पर जब डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2, फैक्टर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा हो, 5 आ रहा है, दोनों आ रहे हो, तो किस किस कैटेगरी का नंबर होता है, वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी का नंबर होता है बच्चों। ठीक है, थर्ड वाला ले लेते हैं बच्चों फटाफट, आज तो सिंपल सा है। 64/455, ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं 455 के जरा प्राइम फैक्टर कर लेते हैं फटाफट। 455 के करो 5 9 = 45, 5 × 5 और 7 से कटोगे बच्चों 13 के और 13 × 1। तो यहाँ देखा बच्चों 455 के जो प्राइम फैक्टर आए वो आए 5 × 7 × 13, 5 होता तो चल जाता, लेकिन 7 और 13 आ गया बच्चों। मैंने कहा था 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो किस कैटेगरी में जाएगा बच्चों, वो नॉन टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी में जाएगा। गॉट इट? अगला क्वेश्चन है बच्चों 15/1600, फोर्थ वाला, 15/1600 बच्चों। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों 5 से कटाइए, 5 3 जा, इसे काटोगे बच्चों कितना आएगा, 5 3 = 15 और 5 2 = 10, हाँ ठीक है, आ गया बच्चों 3/320। 320 के बच्चों फैक्टर कर लेते हैं फटाफट, 320 को काटो बच्चों 2 से 160, फिर 2 से काटोगे 80, 2 से काटोगे 40, 2 से काटोगे बच्चों 20, 2 से काटोगे 10, 2 से काटोगे बच्चों 5 और 5 × 5। तो आपने यहाँ पे देखा बच्चों 320 के जो फैक्टर्स बने 1 2 3 4 5 6, 2^6 × 5। तो यहाँ बच्चों दो ही फैक्टर है आपके पास, 2 और 5, तो ऐसे डिनोमिनेटर जिसके अंदर फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा हो वो किस कैटेगरी का नंबर होगा बच्चों, वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी का होगा। कोई बच्चा बोलते हैं सर हमें नहीं अगर याद रहा, तो अगर नहीं काट पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरा कहना ये है कि अगर कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा हो तो उसे ब्रेक करें, ठीक है, और वैसे करना भी चाहिए क्योंकि आगे वाले क्वेश्चनों में अभी आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, तो वहां पर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों 29/343, 5वां नंबर का है, 29/343। सही बच्चे जानते हैं बच्चों 343 के अगर आप फैक्टर करोगे, वैसे तो आप लोगों को क्यूब याद होने चाहिए 10 तक, है कि नहीं, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64 हो जाता है, 5 का 125 होता है, 6 का 2 16, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है, उसके बाद भी होते हैं क्यूब, लेकिन आप लोगों के काम चल जाएगा 10 तक में। ठीक है, तो वैसे तो पता मुझे 7 का क्यूब होता है, 7 से डिवाइड कर लो, 7 4 = 28 और ये 63, 7 9 = 7, 7 = और 7 1 =, तो 343 को बच्चों मैंने लिखा 7^3। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर का फैक्टर आ रहा है बच्चों वो 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 और 5 तो आए नहीं है, तो ये कैसे कैटेगरी के बच्चों नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी के नंबर है बच्चों। सिक्स वाले पार्ट की बच्चों बात करूँ मैं, 23/2^3 5^2। आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर आ रहे हैं बच्चों, किस कैटेगरी का नंबर होगा, टर्मिनेटिंग कैटेगरी का नंबर है बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों 7th वाला, 7th वाला बच्चों नंबर क्या है, 129/2^5 / 2^5 / 7, 2^5 / 5 / 7 और 7^2 = 7 / 5 है बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चों
टू और फाइव तक होती बात तो सही थी, बट यहाँ पे क्या आ गया, डिनोमिनेटर में सेवन आ गया, तो ये किस कैटेगरी का नंबर है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। टू और फाइव के अलावा कोई भी नंबर आ जाए वो किस कैटेगरी में चला जाता है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी में चला जाता है। गॉट इट? अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? एट छः अपॉन पंद्रह, पंद्रह क्या फैक्टर करोगे? सिंपल सा, आप काटोगे से थ्री टू जा थ्री फाइव जा, तो ये टू अपॉन फाइव आ गया बच्चों, ठीक है। और फाइव नीचे आ रहा तो किस कैटेगरी का नंबर है? आप तो इसको डिवाइड भी कर लोगे, पॉइंट फोर आ जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग कैटेगरी का नंबर है बच्चों। उसके बाद बच्चों हमारा नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला पार्ट बच्चों क्या कर रहा है? पैंतीस अपॉन पचास, लो भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें, फाइव सेवन जा फाइव टेन जा, और सेवन को अगर नीचे वाला फैक्टर करोगे तो टू और फाइव आ रहा है बच्चों। आप तो जैसे ही देख के बोल सकते हो पॉइंट सेवन अपॉन टेन कितना होगा? पॉइंट सेवन से किस कैटेगरी का नंबर है बच्चों? टर्मिनेटिंग कैटेगरी का नंबर है बच्चों। दसवें नंबर का पार्ट बच्चों बात करूँ मैं, दसवें नंबर में सतहत्तर अपॉन दो सौ दस, आप देख रहे हो बच्चों सेवन से डिवाइड ऊपर वाला भी होगा नीचे वाला भी होगा, अगर आप सेवन से काटोगे बच्चों तो ये आ जाएगा सेवन इलेवन जा, और ये से आ जाएगा बच्चों तीस, तीस का अगर आप फैक्टर करोगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव सिक्स थर्टी, और टू इंटू थ्री इंटू फाइव ये आएगा बच्चों। तो अगर आप देख रहे हो डिनोमिनेटर फैक्टर में टू और फाइव तो था, बट यहाँ पर दिक्कत कौन देगा? दैट इज थ्री, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा बच्चों? ये नॉन टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमारा फर्स्ट का ये सारे पार्ट मैंने ले लिए, ये सारे पार्ट यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों? खत्म होते हैं। अब मैं जरा आता हूँ बच्चों थर्ड वाले, पहले बात कर लेता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, उसके बाद फिर से बात करूंगा किस पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सेकंड वाले बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर बच्चों ये बोला गया है, पहला आपको तीन पार्ट दे रखे हैं, पहला वाला पार्ट ये बोला गया है, अपनी एनसीईआरटी खोल लो उसमें देखो जरा, 43.1234567 8 9 लो, 43.1234567 8 9 यहीं पे जाके रुक गया बच्चों ये। तो ये बच्चों किस कैटेगरी का नंबर है? टर्मिनेटिंग कैटेगरी का है, इसके बाद तो आगे जान ही जाएंगे, तो ये टर्मिनेटिंग कैटेगरी का है, तो ये कैसा नंबर होगा बच्चों? ये एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। दूसरे नंबर की बच्चों बात करते हैं हम लोग, तो वो दे रखा है 0.1 120 1200 12000 ऐसे चल रहा है, 120 1200 1200 1200 के बाद एक और जीरो डेटेज। तो यहाँ पे देख रहे हो आप पर्टिकुलर कि लगातार नंबर क्या रिपीट नहीं हो रहे और कभी खत्म नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग कैटेगरी है, तो ये कौन सा होगा बच्चों? ये इरेशनल नंबर होगा बच्चों हमारा, कौन सा नंबर होगा बच्चों? ये हमारा इरेशनल नंबर। इसके बाद दे रखा बच्चों तीसरा पार्ट, पार्ट तो बच्चों इसमें फर्स्ट वाला ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं 43.1234567 8 9 इस पर बच्चों भाग लगा हुआ है। अब मैंने आपसे बताया था जो नंबर ये लगातार क्या कर रहे हैं, ये किस कैटेगरी का नंबर है बच्चों? ये रिपीटिंग कैटेगरी का नंबर है, रिपीटिंग वाले पे बाहर लग जाता है, और ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं बच्चों? ये रेशनल नंबर क्या एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर बच्चों ये हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है बच्चों राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इन द क्वेश्चन नंबर वन अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जिनका टर्मिनेटिंग बच्चों थे उनको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखो विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब ये वाला पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन हमारे पूछे आते हैं, आप लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, आपसे पूछा जाएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन को परफॉर्म करके बताओ कि ये कितना इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो पार्ट लेते हैं, तो टर्मिनेटिंग कैटेगरी के बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 13 अपॉन 3125 आपने इसको बच्चों फैक्टराइज किया था, तो ये हमारा फैक्टर्स बने थे 5 की पावर 5। अब यहाँ पे होता क्या है बच्चों मैं आपको बताऊंगा, जैसे कोई भी नंबर है बच्चों 5 की पावर 5 है, तो आप लोग को पर्टिकुलर यहाँ पर आपको नीचे चाहिए होगा 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 मल्टीप्लाई होने पर क्या देंगे आपको? 10 देंगे, नहीं देंगे ना, 2 और 5 मल्टीप्लाई होने पर 10 देंगे। और किसी भी जैसे नंबर है मान लो 13 अपॉन 10 है, तो आप हाल डेसिमल बोल दोगे, जितने जीरो होते हैं नीचे उतने के बाद क्या आ जाता है? डेसिमल आ जाता है, यही तो है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो मैं यहाँ पर 5 और 2 की जो मैक्सिमम पावर होगी जिसकी भी हो, वो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? सेम। तो यहाँ 5 की पावर 5 तो है, तो मुझे 2 चाहिए होगा,
अब मुझे 2 की पावर कितनी चाहिए होगी, जब 5 की पावर 5 है तो मुझे वहां पर 2 की पावर भी कितनी चाहिए होगी, 5। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसको 2 की पावर 5 से ऊपर और नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फायदा क्या हुआ बच्चों सर, तो 13 × 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। और यहाँ देखो बच्चों इन दोनों की पावर सेम होगी, इन दोनों को मैं बच्चों ऐसे लिखता हूँ 5 × 2 की होल की पावर 5, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर तो सेम है, तो मैंने दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखा, ऐसे लिख दिया। अब 13 × 32 कर दो बच्चों, 13 × 26 और 2 × 39 = 41। अब 5 × 2 बच्चों 10 × 10 की पावर 5 कितनी आ रहा है ना बच्चों, हाँ सही। अब यहाँ पे सिंपल था, 416/10 की पावर 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। और जितने जीरो होते हैं पर्टिकुलर हमारा डेसिमल भी क्या है, उतने डिजिट के बाद लगता है। तो 3 तो बच्चों ये थी, 5 जीरो थे तो 2 जीरो और लगा दिए, डेसिमल लगा दिया और क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। तो यहाँ पे हम लोगों ने विदाउट एक्चुअल डिवीजन क्या किया, पर्टिकुलर उसको डेसिमल एक्सपेंशन को फॉर्म में लिखा, वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी का, ठीक है। ये आंसर आ रहा बच्चों 0.0011, ठीक है। ये हो गया बच्चों, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो याद ये रखना है आपको सिंपल सा, 2 और 5 को देखना है और जिसकी मैक्सिमम पावर हो उसकी मैक्सिमम पावर के बराबर दूसरे वाले को बनाना होता है, जो कम पड़ रहे होंगे उतना मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। अभी क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में क्या चल रहा है। दूसरा था बच्चों 17/8, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा बच्चों 17/8 का मतलब 2 का क्यूब था। अब यहाँ भाई साहब 2 है प्रेजेंट, लेकिन 5 वाले भाई साहब प्रेजेंट नहीं है, और मैंने कहा था दोनों की पावर क्या होनी चाहिए सेम, तो यहाँ 2 की पावर अगर 3 है तो 5 की पावर भी कितना होना चाहिए था, 3। तो ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई। तो 17 × ऊपर वाले को तो खोल देना है, 5 का क्यूब कितना होगा, 125। और इन दोनों की पावर क्या है सेम, तो इनको ऐसे लिखना है बच्चों 2 × 5 की पावर 3। तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, और मुझे बताना कितना आ रहा है ये मल्टीप्लाई करने के बाद। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा बच्चों 2 × 1 = 5, और 2 × 5 का बच्चों 10। मल्टीप्लाई कर लो 17 × 5 = 5, सही 2 × 2 = 5। 10 का क्यूब बच्चों कितना आएगा 1000, यानी कि पर्टिकुलर 3 डिजिट के बाद, वो भी राइट हैंड साइड से, तो यानी कि पर्टिकुलर 521 डेसिमल लग गया बच्चों, आफ्टर कितनी प्लेसेस, आफ्टर 3 प्लेसेस, गॉट इट। कोई बच्चे को दिक्कत बच्चों में, किसी भी पहले बच्चे को नहीं है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों और देखते हैं इसके पॉइंट। अगला क्या कह रहा था, 64/9 नहीं था, 15/1600 ये तो हमारा टर्मिनेटिंग कैटेगरी का था। अब मैंने आपको बताया था इसको मैंने सिंप्लीफाई किया था, तो 5 × 3 = और ये आया था बच्चों 320, ऐसे क्या 3/320 आया था बच्चों, और 2 की पावर 5 होता है 30, 2 की पावर 6 × 5 आ रहा था बच्चों, ऐसा आ रहा था, है ना, क्योंकि 2 की पावर 5 = 32 और 10 आएगा, 10 को तोड़ोगे 2 × 5, 2 की पावर 6, ठीक। अब यहाँ देखो बच्चों 2 की पावर 6 है, तो 5 की पावर भी कितना होना चाहिए था, 6। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला 5 की पावर 6 होना चाहिए, लेकिन 5 की पावर 1 तो यानी कि 1 5 प्रेजेंट था, तो मुझे कितने बचे, 5 बचे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, 5 की पावर 5 से ऊपर और नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो कुछ भयंकर सा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो बहुत बड़ी जाएगी इसकी, खतरनाक, सही है, हाँ खतरनाक टाइप भी जा रही है। तो अब देखो यार यहाँ पर 3 × 5 की पावर 5 3 × 1 = 5/1, इसमें देखो 2 की पावर 6 होगी, 2 की पावर 6, 5 की पावर 5, 5 की पावर 1 दैट इज 5 की पावर 6, इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 7 और 3 × 3, 3 × 3 = 9, और ये हो गया बच्चों 2 × 5 की पावर 6, तो 9375/10 की पावर 6। लो भाई 9375/60 बोल दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यानी कि पर्टिकुलर 4 तो ये हो गए, 5, 7, 9, 3, और पर्टिकुलर 4 ये हो गए, 2 और लगा दो, उसके बाद डेसिमल लगा दो, ये बच्चों इसका क्या निकल के आएगा आंसर, ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है,
आप लोगों को बस थोड़ा हल्का फुल्का ये लग रहा होगा, ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी भारी जा रही है और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं यार, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन कराऊंगा टेंशन मत लो, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों हम लोग। और इसका बात था अगला वाला क्या था बच्चों, एक क्वेश्चन था इसका 23/2 यही था बच्चों। हाँ तो यहाँ देखो बच्चों 2/3 जिसकी हाईएस्ट पावर हो दोनों की पावर सेम, 5/2 है तो एक कमी है बोली बच्चों, तो 5 से मल्टीप्लाई किया 5 से डिवाइड किया, अब 5 × 20 कर दो 5 × 20 115 हो जाएगा बच्चों, अपॉन यहाँ पे 2/3 हो गया 5/3 हो गया 115 अपॉन 2 × 5/3। आप चाहे तो एक आध स्टेप खा भी सकते हो चल जाएगा 115, बट मैं चाहता हूँ कि सही बच्चों को फ्यूचर तक ये वीडियो काम करे उनके लिए, तो इसलिए मैंने एक चीज स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ। 2 × 5 = 10 हो गया 10³। अब आप देखोगे 115 अपॉन 30 आ गए तो 3 डिजिट के बाद ये लग गया बच्चों इसका आंसर, तो आंसर आ गया बच्चों हमारा 0.15। गॉट इट, सभी क्लियर बच्चों? एक और देख लेते हैं, बाकी लोग घटिया घटिया क्वेश्चन है उनको देखने मतलब नहीं बनता, बता देते हैं इसको। अब जरा मैं बच्चों क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को करके बताने फटाफट, बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे बच्चों हमारे, ये तो हमारे एनसीईआरटी से यहाँ से दावा हमारा क्या हो गया छूट गया, यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी बच्चों क्या होती है ख़त्म। ठीक है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए यहाँ पर, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है वो आराम से, सही है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन बच्चों ये रहा आप लोगों के लिए यहाँ से चालू करते हैं, 7/1/2 ठीक है, आप लोगों से पूछा गया कि पर्टिकुलर विदाउट एक्चुअल डिवीजन का डेसिमल एक्सपेंशन का आंसर बताओ जरा कितना आएगा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन ये परफॉर्म करो कि टर्मिनेटिंग है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा। तो आप देखेंगे 5/125 जो है बच्चों, 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है बच्चों। अब मुझे यहाँ पर 5 तो है मतलब टर्मिनेट तो हो रहा होगा ये, बट यहाँ पे 2 नहीं है तो मुझे यहाँ पे जो भी हाईएस्ट पावर होती है उतनी पावर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 × 8 और 5 × 10। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लिख दूँ, 5 और 2 = 10 और ये जो पावर दोनों पे सेम है 3 × 7 = 56 हो गया बच्चों, अपॉन 3 0 हो गए, लेफ्ट से 2 डिजिट तो है बच्चों, 1 डिजिट और चाहिए उसके बाद लग जाएगा 0, और जितने नीचे 0 आ रहे होते हैं उतने डेसिमल के बाद क्या आता है हमारे, उतने डिजिट के बाद क्या आता है डेसिमल आता है। तो आप लोगों से ये पूछा है कि कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा, तो आप लोग सिंपल सा 3 0 लगे हुए हैं यानी कि 3 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल आएगा, इसका आंसर हो गया बच्चों 0.056। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये रहा 11/80, आप लोग बताइए ना कितने डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा पर्टिकुलर और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा, वीडियो को पॉज करो और फटाफट आंसर बताइए, चलो हो जाओ बच्चों। तो देखो आप इसको आप लोगों ने फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 से काटोगे 40, 2 से काटोगे 20, 2 से काटोगे 10, 2 से काटोगे बच्चों 5 और 5 × 5, तो 4 तो यहाँ पे 2 हो गए 1 5 हो गया, तो 2/4 हो गई और 5/1 हो गई। गॉट इट, अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं अगली बार में इसको बताते हैं बच्चों, आप लोग करना है बच्चों पानी पी लूँ थोड़ा सा, गला सूख गया बोलते बोलते लगातार। ठीक है, 2/4 है, 5/1 है, तो कितनी 5/1 चाहिए अभी, कितने 5 चाहिए, 3 चाहिए, तो 5/3 से क्या कर दोगे बच्चों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 11 × 125 हो गया, और देख लो यार 2/4 × 5/4 तो 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 × 5 = 55, 5 × 22 और 5 × 27, 2 और ये 13, 1 × 3 = 5, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 10/4, तो 1 × 3 = 5 / 4 = 0, तो 4 तो ये है, 4 के बाद क्या लग जाएगा बच्चों डेसिमल लग जाएगा, तो कितनी प्लेसेस के बाद डेसिमल लग रहा है बच्चों, आफ्टर 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग रहा है। गॉट इट, किसी बच्चे को कोई डाउट मन में कुछ भी शंका लघु शंका इस टाइप की कुछ भी नहीं है, और लेते हैं बच्चों ये क्वेश्चन बच्चों तीसरा, मतलब जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे अभी, इसी लेक्चर में हमारा फुल क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 1।
ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों 23/6250, तो आप सिंपल सा अगर वो बच्चा करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकता है। अगर किसी बच्चे को ये बताओ कि 625 कितना होता है, ये होता है 625 होता है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर यानी कि 5 को 4 बार लिखना पड़ेगा आपको, ये तो मतलब है। और किसी अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है तो सिंपल इस तरीके से चालू हो जाए, 2 से काट दो 2 3 या 6, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 1 या 10, ठीक है। फिर 5 से काटोगे 5 625 से 5 से काटोगे ये 125 जाएगा, फिर 5 से काटोगे 25 जाएगा 5 से काटोगे 5 जाएगा 5 से काटोगे 5 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 23/5 और 2 की पावर होगी 1, और मुझे डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो मुझे यहाँ पे 5 की पावर 5 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है उतनी दूसरे की पावर भी करनी पड़ती है, तो दूसरे की पावर तो 1 है, कितने करने पड़ेंगे, 2 की पावर 4, तो 23 × 2 की पावर ये कितना होगा 416 अप॑न 5 की पावर 5 × 2 की पावर 5, 16 3 48 8 4 16 2 32 32 और 4 36, 368, और ये हो गया 10 की पावर 5, तो 368 अप॑न कितने जीरो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 3 तो ये प्लेस है जेट है, इसके बाद 2 लगा दो ये आंसर आ जाएगा हमारा, आफ्टर 5 डिजिट्स डेसिमल विल टेक प्लेस, ठीक है। तो आंसर आएगा 0.00368। एक पार्ट और करते हैं बच्चों इसका, 16/128, ये बच्चों क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला, और क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद अच्छे अच्छे और भी, आप लोग करके बताइए जरा इसका आंसर फटाफट। इसमें अगर आप देखें 2 की पावर 7 हो रहा होगा बच्चों, आप लोग खुद निकाल लो, 128 के आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से जाएगा 264 जा, फिर 2 से काटोगे 32 और 2 से काटोगे तो 16, 2 से काटोगे 8, 2 चौक और 2 2 जा एंड 2 1 जा, कितने हो गए 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि ये हो गया बच्चों 61/2 की पावर 7 हो गया। अब मुझे यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो 2 की पावर 7 है बच्चों यानी कि 5 की पावर 7 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, अब 61, ओ माय गॉड अब ये वैल्यू कितनी बड़ी जा रही है, क्यों भाई इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, और ये हो जाएगा 10 की पावर 7, अब मैं इतना मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं 4765625, 4765625, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि आपका आंसर इतना आ रहा, तो ठीक है मल्टीप्लाई नहीं आ रहा तो दोबारा करना। 10 की पावर 7 मतलब यानी कि 2 4 6 7 7 प्लेसेस के बाद क्या लग जाएगा बच्चों डेसिमल, और ये इसका आंसर आएगा बच्चों। और यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन क्या हो गया खत्म कर लोगे, जितने 10 की पावर 7 यानी कि 7 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 10 की पावर 3 होता तो 3 डिजिट के बाद लग रहा होता, 10 की पावर 5 होता तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा बच्चों। थोड़े से और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके, ठीक है, गंदे गंदे से थोड़े अच्छे अच्छे से, ठीक, जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारे एग्जाम में पूछे जाने के वो क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, और उसके साथ ही हमारा ये लेक्चर क्या हो जाएगा ख़त्म। तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ से चालू करते हैं, क्वेश्चन ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे अपने एग्जाम में, 132/2 5/11, ठीक है। ये आपसे बोला गया है विदाउट क्या बोला गया एक्चुअल डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर विल बी हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग कैटेगरी का है कि नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी का है, पहली बात तो ये पूछा गया, ठीक है। तो मैं बताऊँ कैसे करते हैं हम लोग इसको, अगर आप देख रहे हो बच्चों तो पहली बात तो आपके दिमाग में ये आता होगा सिंपल सा, ये तो 11 लिखा है यहाँ पर, 2 और 5 के पास अभी 11 मतलब यानी कि कौन सी कैटेगरी का हो गया नॉन टर्मिनेटिंग का, लेकिन मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये देखना आपको कि ये जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है बच्चों ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है इससे, तो आप जब काटोगे ना इससे तो ये कट जाएगा बच्चों, 11 × 11 11 × 2 = 22, ये 12/2³ × 5² हो गया, अभी भी कटेगा ये, ये कितना होता है 2 का स्क्वायर होता है × 3/2³ × 5² अगर इसको काटूंगा बच्चों पावर से पावर ही तो 3/2 × 5² अब क्या फैक्टर बच रहे हैं डिनोमिनेटर में 2 और 5 तो किस कैटेगरी का नंबर है ये
टर्मिनेटिंग कैटेगरी का नंबर है बच्चों। आप लोगों से पूछा गया था ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो अब कौन सी कैटेगरी का नंबर है? टर्मिनेटिंग। तो याद से ऐसा नहीं कि पता चला जो जोश में आ जा बोले सर 2, 3, 5, 2, 5 के अलावा लेवल दिख रहा है लोग नॉन टर्मिनेटिंग, जबकि कैसा है जो कि एक्स्ट्रा नंबर हो वो देख लेना ऊपर कहीं कट तो नहीं रहा, तो कट रहा होगा बच्चों। ये किस कैटेगरी का नंबर है? ये टर्मिनेटिंग कैटेगरी का नंबर है। ओके और देते हैं बोलो है ना, अरे डिवाइड करके देखो 7 × 7 = 7 9 = 63 होता, 65 है तो नहीं हो रहा, तो यानी कि पर्टिकुलर यहाँ पर ये कौन सी कैटेगरी का है? ये नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी का बच्चों नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है 2 और 5 के अलावा वो 7 है और 7 ऊपर वाले 135 को डिवाइड नहीं करता। गॉट इट? चलिए और देखते हैं बच्चों और क्वेश्चन। बच्चों ये है 77/5^4 × 3^2 × 7 ये पूछा गया बच्चों, तीसरा मान लेते हैं इसको। किस कैटेगरी का? आप देख रहे होंगे फटाफट आपकी आंखें एकदम लाल हो गई होंगी देखते ही, खट काट दिया होगा इसको। आप बोलोगे सर 11 5^4 3^2 यहाँ 2 है क्या? नहीं है ना, यहाँ 5 आ रहा है लेकिन उसके अलावा कौन सा फैक्टर आ गया बच्चों? 3। तो ये भी किस कैटेगरी में चला जाएगा? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी में चला जाएगा। गॉट इट? इसके बाद बच्चों हाँ ये देख लो और इसको हटा दो बच्चों, मजा आ रहा है? देखो यार कमेंट में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये होता बोलता मजा आ रहा चाहिए मुझे, तो पढ़ाई में मजा नहीं तो फिर कुछ नहीं, फिर सजा है वो। क्वेश्चन बच्चों ये था 1331/2^2 × 11^2 बताना जरा किस कैटेगरी का नंबर होगा? आया सर बताओ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोलो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे तो देखते ही क्या हो गए बोले, अब बच्चे दिमाग में आ रहे हैं 2 तो है, चलो इस 11 को देखो। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो ये 1331 जो है ना वो 11 का क्यूब होता है, तो मैं बोलता हूँ क्यूब याद कर लो। इस 11 से ये 11 गया, इस 11 से ये 11 गया, 11/2 / 2 डिनोमिनेटर में 2 ही फैक्टर आ रहा है प्राइम। ये किस कैटेगरी का नंबर है बच्चों? ये टर्मिनेटिंग कैटेगरी का नंबर है ना? तो क्यों याद होना चाहिए 11 का 1331, 12 का 1728, 2197, 2744, 337544, 096, 4913, 5832, 8000 ऐसे करके प्रकार क्या होते हैं हमारे क्यों होते हैं, ठीक है? लेकिन ठीक है आप लोग 10 तक क्यों याद करो, बाकी नहीं बाकी तो काम चल ही रहा है, मल्टीप्लाई करके तो चेक कर ही लोगे क्यों। चलिए अब आप लोगों से बोला गया जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर मुझे आप बताइए कितनी एक्चुअल डिवीजन विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड आफ्टर हाउ मैनी डिजिट डेसिमल विल टर्मिनेट, ये पूछा गया है। तो दो तीन क्वेश्चन लेते हैं बड़े अच्छे अच्छे टाइप के। तो पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा 147/ क्या है 2^5 × 7^2 एक तो बच्चों ये रहा, ठीक है? एक दूसरा और लिख देते बच्चों यहाँ पर, दूसरा दे रखा है 133/2^3^5/6 और 19, ठीक है? एक तीसरा और लिख देते हैं यहाँ पे साइड से,
तीसरा क्या दे रखा है 2916 अपॉन 2 की पावर 4 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। ये बच्चों ये तीन बैक टू बैक में तो मैं गाने दे रहा हूँ, जरा इनको गुनगुना लो और बताओ जरा मुझे इसका आंसर कितना आ रहा है। बच्चों स्टार्टिंग करते हैं इससे, पहले वाले का आंसर बताइए जरा, मैं देख लूँ फटाफट कितना आंसर है। थर्ड का 6th पार्ट पूछा गया कितनी डिजिट के बाद डेसिमल इसको क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो जितनी 10 की पावर होती है उतनी डिजिट के बाद क्या होता है, टर्मिनेट करता है। तो आप देखो पहली बात तो टर्मिनेट तो हो रहे हैं, आपसे लोगों से ये बोला गया एक्चुअल डिवीजन के बाद आपको टर्मिनेट करके बताना है ना। तो यहाँ देखो आपका एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है 7, अब देख कट रहा होगा ऊपर, तो 7 को अच्छा ऐसे लिखूँ मैं 7 × 7, तो 7 से काटोगे 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, इस 7 से काटोगे बच्चों 3 आ गए। अब यहाँ देखें बच्चों 3 / 2 की पावर 3 5 की पावर 2, जो इन दोनों में हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, वो भी 2 की, तो कमी किसकी है बच्चों 1 5 की कमी है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 × 3 = 15 / 2 की पावर 3 5 की पावर 3, तो यहाँ देखा बच्चों 15 / 2 × 5 = 10 10 की पावर 3। ये बच्चों तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये क्या हो रहा है 0.015, तो आफ्टर 3 डिजिट ये ना क्वेश्चन बच्चों, आफ्टर 3 डिजिट के बाद हमारा क्या लगेगा बच्चों डेसिमल लगेगा। सिंपल इस क्वेश्चन में देखते हैं 2 और 5 तो अच्छा है ये तो हमारा काम चला देगा, बट ये 19 यहाँ दिक्कत देगा। अब ये पर्टिकुलर विदाउट एक्चुअल डिवीजन बोला मतलब 19 कहीं ना कहीं काट रहा होगा, तो 19 का टेबल पढ़ना चालू करूँ, 19 7 का कितना होता बेटा 133, तो 19 से काटोगे 7 times जाएगा। अब 7 / 2 की पावर 3 5 की पावर 6, तो यहाँ आप लोगों ने देखा 5 की पावर कितनी है 6, बट 2 की पावर कितनी है 3, तो जो इन दोनों में हाईएस्ट पावर हो उसकी दूसरे वाले की पावर भी उतनी ही बढ़ानी होगी, तो आपको 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा बच्चों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 × 2 की पावर 3 8, और यहाँ देख लो बच्चों 2 की पावर 6 5 की पावर 6, तो 56 / 10 की पावर 6 यानी कि 6 डिजिट के बाद जैसे मैं आएगा बच्चों, तो 2 तरीके होगी 56 4 और लगा लो डेसिमल ठोक दो, तो आफ्टर 6 डिजिट डेसिमल विल टेक प्लेस। ये बच्चों इसका आंसर। थर्ड का 7th सही, इसका 8th पार्ट बच्चों ये रहा, इसको करेंगे हम लोग, तो इसको आप करोगे तो यहाँ देख लो 2916 बच्चों अपॉन 2 की पावर 4 5 की पावर 3, 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 4 को ऐसे लिख दो बच्चों, अब काटने बड़ा मजा आया, 3 से काटते हैं 3 9 = 27, 2 = 3 7 = 21 3 2 = 6, इस 3 से काटो बच्चों 3 3 = 9 3 2 = 6 और 3 4 = 12, इस 3 से काटोगे 3 10 = 30 और 3 8 = 24, इससे काटोगे 3 3 = 9 और 36 3 = 108। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी बचती है 36 / 2 की पावर 4 × 5 की पावर 3, तो ऐसे लिख लो बच्चों 2 × 2 × 5 की पावर 3, अभी भी कट जाएगा 2 2 = 4 4 9 = 36 9 / 2 की पावर 2 × 5 की पावर 3। तो कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा होता है लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो जो इसका 8th नंबर का पार्ट था बच्चों यहाँ देखो बच्चों, तो ये यहाँ पे था 36 का टर्म, हाँ 9 / 2 की पावर 2 5 की पावर 3, तो यहाँ अब देखें तो 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो यही कमी है बच्चों, तो 9 × 2 = बच्चों कितना हो गया 18 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर क्या हो गया 3, ये हो गया, इसको देख ले बच्चों 18 / 10 की पावर 3 आंसर कितना होगा 18/1000, तो 3 डिजिट के बाद क्या लगेगा बच्चों डेसिमल लगेगा। यहाँ पे सारे बच्चों क्वेश्चन क्या हो गया हमारे खत्म हो गए, और बच्चों कोई क्वेश्चन देखे मेरा और देख लो बच्चों एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर बेटा एक तरीके से हमारा पूरा पूरा टॉपिक क्या हो गया पूरा पूरा खत्म हो गया, ये जैसे ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में मैं आपको दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे आए हैं। एक क्वेश्चन ही आया था
हाउ मेनी डेट्स, कितने डेट के बाद डेसिमल विल टेक प्लेस, ठीक है, ये पूछा गया था। तो यहाँ देख रहे हो 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, तो 8 5 से क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2 की पावर सेम होगी बच्चों। तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 5 6 20, 5 3 15, यानी कि 215। और ये कितना हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो 215 अपॉन 2 इंटू 5 10 की पावर 4, तो 215 अपॉन 1 2 3 4 आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन, ये भी हमारे सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 3 की पावर 2, तो आप जानते हो ये कितने डिजिट का पूछा गया है। तो बेटा यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा जो लग रहा है वो वाले को काटेगा, तो 27 अपॉन 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 से काटा 3 जाएगा, इन दोनों में हाईएस्ट पावर 5 की है, तो यहाँ पे भी कितना चाहिए मुझे, 4 चाहिए। 1 2 से ऊपर नीचे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, ऊपर 6 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 4 हो गया, तो 6 अपॉन 10 की पावर 4 हो गया बच्चों, तो 0.0006 ये इसका आंसर है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन थे बच्चों हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड, वो मैंने सारे के सारे आपको खत्म करा दिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में भी जो पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और यही जो लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन हैं ये हमारे एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हमारा पूरा टॉपिक क्या होता है खत्म, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और नेक्स्ट टाइम से हम लोग चालू करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर पॉलीनोमियल, ठीक है बच्चों, बाय बाय।